अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आलिया अली और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग यूट्यूब शेयर करने वाली हूँ। वैनिटी जो मेरा ये बॉक्स है, इसको क्लीन कैसे करना है। एक्चुअली पता क्या, जब मैं सोदिया गई थी ना, जाने से पहले ये मैं यहीं छोड़ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो सामान है ना, ये वहाँ पे ले जाना भी मुश्किल था। और जब मैं एक दफ़ा मैं लेके गई थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो पीछे नीचे वाला जो इसका जो टायर वगैरह थे वो भी टूट गए थे, गलती क्या हो गई थी। इसको मैंने जो है ना लगेज में डाल दिया था। हैंड कैरी में होता तो शायद इसकी जो है ना बचत हो जाती, बट हैंड कैरी में इतना जो है ना, इतना थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा था, तो हैंड कैरी में भी अलाउ नहीं करते थे। अब यहाँ से देख सकते हैं जी, कितना गंदा हो चुका है ये। ऊपर से तो डस्ट की वजह से इतना गंदा है, और अंदर जो वाला जो हिस्सा है ना इसका, वो अंदर जो चीज़ें गिरने की वजह से गंदा हो गया है। अच्छा खैर, इसको अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये आप सामने जो देख रहे हैं, इसके ऊपर लिपस्टिक, ब्लश ऑन और जो के फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह जो दाग वगैरह है ना, वो लगे हुए हैं। मैंने एक हैक देखा था यूट्यूब से कि टेप के साथ ये वेलवेट का है मेरा जो ये वैनिटी बॉक्स है ना, ये सारा अंदर से वेलवेट में है। तो इसको ही अंदर मैंने देखा था कि टेप के साथ ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था, बट मैंने जो जब इसको यूज़ किया ना, मेरा तो बिल्कुल 0% भी ये वर्क नहीं किया। ये वाला जो हैक था, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। ऑफ कैमरा भी मैंने ट्राई किया था, दूसरी वाली जो टेप होती है ना, दो तरह से पड़ी हुई थी, दोनों के साथ ट्राई किया था, बट कोई रिज़ल्ट इससे नहीं मिला था। देन मैंने क्या किया जी, सिंपल सा मैंने क्या किया, वाइप्स लिए, एलमीर के वाइप्स पड़े थे मेरे पास, जो कि वो मैंने उठाया और उसके साथ मैंने ना इसको साफ़ करना शुरू किया। ये मेरे पास वेट वाइप्स हैं, ठीक है, तो उसके साथ मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया। इसके अच्छे से मैंने इसको, कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं लगाई, कोई सोप, कोई डिटर्जेंट, कोई भी केमिकल वाली या कोई भी दूसरी भी चीज़ जो भी आप कह लें, इसमें मैंने यूज़ नहीं की। सिंपल वाइप्स के साथ मैंने एक वाइप लिया, उसको मैंने एक दफ़ा से अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं, अंदर जो जितनी भी डस्ट वगैरह जो भी मैल कुचैल थी, एक वाइप के साथ मैंने पहले तो इसको नीट किया। उसके बाद जी एक इसको तो मैंने फेंक दिया, ठीक है, एक के साथ आपने क्लीन कर लिया। और उसके बाद ये देखिए कितनी मैल कुचैल, कितनी जो डस्ट है ना, सारी स्वाइप के ऊपर आ गई है और कुछ हद तक जो है ना ये साफ़ हो चुका है। देन जी एक और वाइप लिया, साफ़ नीट एंड क्लीन, एक के साथ मट्टी वगैरह, गर्द वगैरह सारा साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है ना दोबारा से एक और न्यू बिल्कुल वाइप लिया, और उसके बाद दोबारा इसको जो है ना क्लीन किया, और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो रहा था। अभी मैं सारा जो है ना मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो बस बैठे बैठे जो है ना मैं इसको क्लीन करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का आपका कोई वैनिटी बॉक्स है या कोई चीज़ है आपके पास, आप भी सिंपल इस तरीके से कोई भी चीज़ यूज़ मत करें, कोई ख़ास डिटर्जेंट वगैरह या कोई आई डोंट नो कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये देखिए आप डिफरेंस चेक करें, बिफ़ोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। सिंपल एक वाइप्स के साथ जो है ना ये साफ़ हो गया। मैंने YouTube से जब सर्च किया ना, इतनी वीडियोस थी, ये डालें, वो डालें, ऐसा करें, वैसा करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इसके साथ ही जो है ना वो सब इतना इस कदर ये गंदा हो चुका था। इसको मैं यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, बाद में सारे पीछे से कभी कोई चीज़ निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं थी, बस 2-4 चीज़ें ही पड़ी थी, उसकी वजह से ही बस वो अंदर चीज़ें गिर गिर के जो है ना बुरा हशर हो गया था। अब एंड वाला जो हिस्सा है ना वो रह गया था, बस इसको भी मैं नीट कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको कंप्लीट इसको जो है ना चीज़ें वगैरह सेटिंग करके वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ऊपर जो मट्टी है इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और बस इस तरीके से मैंने ना सिंपल जो वाइप्स जो थे गंदे थे, उनको मैंने उसी के साथ ऊपर से साफ़ करके वही बात फिर दोबारा से एक वाइप लेके हर बॉक्स के ऊपर ना, जो मतलब अंदर जितने भी इनके जो बॉक्सेस बने हुए थे, एक वाइप के साथ वो जो गंदे वाला था वो मैं क्लीन मैंने किया, और उसके बाद फिर मैंने साफ़ वाइप के साथ दोबारा से उसको क्लीन कर लिया। और ये देखिए जी अभी इसका जो लॉक है वो ओपन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको अंदर से इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, टन टन हो गई जी सेटिंग, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फ्रेश फ्रेश और अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था। इसके अंदर जो चीज़ें थी ना, जो बेसिक जो चीज़ें पड़ी थी, बस वो मैंने रख ली हैं। कुछ चीज़ें जो है ना अभी मेरी पता नहीं कभी कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, फिलहाल जो है ना मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करके मैंने इसमें चीज़ें रख दी हैं, और ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और बस ये सब चीज़ें थी, बाकी जो चीज़ें हैं मज़ीद इसमें जो रखने वाली हैं वो रखेंगे, निकालने वाली जो चीज़ें हैं ना वो मैं निकाल चुकी हूँ। तो बस जी इस तरीके से जो है ना मैंने इसको क्लीन किया। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से कोई आपका वैनिटी बॉक्स है, आपको क्लीन करने का समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल वाइप के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा झमेलों में मत पड़िएगा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को छोटी सी वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इंस्टाग्राम पे मेरा जो है ना वो आईडी है आलिया अली डॉट ऑफिशियल के नाम से। और इसके अलावा जी मज़ीद आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं और अपना जो टॉपिक है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ इस चैनल पे भी थोड़े से रिव्यू वगैरह जो है ना वो अगेन मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँ, वो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हों या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप लोग भी आइडिया जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों के साथ जो है ना अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।